Hello friends, myself Tiran Thakur. Today we'll start our 9th English medium subject maths. Our last exercise of chapter number 13. Question number 1 can be solved. So 13.8. Question number 2. Ninth English medium maths. Last exercise. ये जो exercise है उसमें हमने sphere shape के बारे में एंड hemisphere के volume के बारे में देखा था, तो वहाँ से ही start करेंगे. Question 2 का first question में आपको solve कराता हूँ, second question आपको खुद solve करना है. Find the amount of water displaced by the solid spherical ball of डायमीटर. स्पियरिकल बॉल यानी कि फिर से वो आपको दिया है, स्पियर शेप ही आएगा उसमें. तो फर्स्ट जो डायमीटर है वो 28 सेंटीमीटर डायमीटर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेडियस फाइंड करेंगे. तो रेडियस यानी कि डायमीटर डिवाइड बाय 2. 28 सेंटीमीटर, सो रेडियस 14 सेंटीमीटर. नाउ कैपेसिटी और अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस, कितना वाटर डिस्प्लेस हो सकता है, तो उसके वॉल्यूम जितना हो सकता है. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्पीयर 4/3 पाई आर क्यूब. 4/3 पाई मीन्स 22/7 आर क्यूब. नाउ एडिशन ऑफ दिस टू टर्म विल बी कैंसल. 14 × 14 196, 22 × 2 22 × 8. सो 22 × 2 44 44 × 4. तो इस तरीके से आप सभी का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 4 4 9 6 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब. उसको आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा. ये जो हमने लिखा है वो मैं आपको समझाता हूँ. जैसे कि हमारा आप 22 डिवाइड बाई 7 करते हैं तो 7 × 3 = 21, तो आपका रिमाइंडर 1 आता है. तो यही हमें लिखना हो तो आप किस तरीके से लिख सकते हो. ये जो आंसर है वो हमें लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हो, तो इस तरह से आप 7 नीचे आएगा, जो आंसर आता है वो यहाँ पे वो साइड पे आएगा, जिससे डिवाइड करते हो वो नीचे आएगा, और यहाँ पे जो रिमाइंडर होती है वो यहाँ पे आएगी. यानी कि 7 × 3 = 21 + 1 यानी कि 22. तो इस तरीके से आपका आंसर आता है. तो जैसे कि यहाँ पे ये आंसर हमने लिखा है तो फ्रेंड्स 3 से हमने यहाँ पे डिवाइड किया है तो इसलिए डिवीजन में 3 लगा. ये जो आपका आंसर है वो इस तरह का आंसर है, जैसे कि यहाँ पे 3 आंसर आया था उसी तरीके से डिवाइड करते हो तो ये आंसर आता है. और ये जो 2 लिखा है वो क्या है, उसकी रिमाइंडर. जैसे कि यहाँ पे रिमाइंडर 1 है तो 3 मिक्स फ्रैक्शन में 3 × 1/7 तो इस तरीके से ये आपका आंसर आता है. ये आंसर होगा आपका, ये डिवाइड किया है वो है और ये हमने रिमाइंडर है वो यहाँ पे ऐड होती है. तो इस तरीके से आंसर है. यहाँ का जो सेकंड है वो आपको होमवर्क में सॉल्व करना है. क्वेश्चन 3 से हम स्टार्ट करेंगे. अ डायमीटर ऑफ मेटालिक बॉल, फिर से डायमीटर दिया है. डायमीटर ऑफ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर. डायमीटर ऑफ मेटालिक बॉल इज 4.2 सेंटीमीटर. व्हाट इज मास ऑफ बॉल इफ द डेंसिटी ऑफ मेटालिक बॉल इज 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब.
पूछा गया है आपको मास डेंसिटी दी गई है, तो हम पहले वॉल्यूम फाइंड करते हैं। सो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाय 2, देयरफॉर 42 का हाफ हम करेंगे तो 2.1 सेंटीमीटर होगा। तो उसको लिखना हो तो 21 डिवाइड बाय 10 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद वन डिजिट है इसलिए 21 डिवाइड बाय 10 सेंटीमीटर। नाउ वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल, तो हम जानते हैं मेटालिक बॉल यानी कि क्या है, स्पीयर। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्पीयर इज इक्वल टू 4/3 πr³। आर क्यूब रेडियस का क्यूब, 21 डिवाइड बाय 10 थ्री टाइम लिखेंगे, 7 3 21, तो ये 21 कैंसिल। 21 × 21 × 22 × 4 डिवाइड बाई 30, तो आपका आंसर आएगा 38.808 cm³। तो ये हमें मिला वॉल्यूम ऑफ मेटालिक बॉल। अब आपको दिया गया है डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ मेटल इज 8.9 g/cm³। 8.9 g/cm³ डेंसिटी अब आपको दी गई है, तो इसलिए इक्वेशन हमें पता है, डेंसिटी मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। सो हमें फाइंड करना है मास, देयरफॉर मास को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो इक्वेशन होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी उसकी 8.9 है और वॉल्यूम है उसका 38.808, ये आपको दिया गया है। तो अब 8.9 को 89 डिवाइड बाय 10 लिखते हैं, 38808 यानी कि पॉइंट के बाद थ्री डिजिट है इसलिए 30 लिखते हैं, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो 345.39 g मास ऑफ स्फेरिकल बॉल। क्वेश्चन नंबर 4, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इन अ वॉल्यूम ऑफ मून, आपको फाइंड करना है। दोनों का रेशियो लेना है, तो स्टार्ट करते हैं। रेडियस डायमीटर की बात की है, डायमीटर की बात की है, तो यहां पे जो बात करेंगे रेडियस, तो यहां पे मून और अर्थ के लिए, मून और अर्थ के लिए जो डायमीटर है वो सेम रिलेशन आएगा आपका रेडियस में। तो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है आपको, अगर रेडियस बोला जाएगा फिर भी यही लेना है, डायमीटर बोला जाएगा तो उसके लिए भी ये जो फ्रैक्शन है वो दोनों के लिए सेम ही होगा, क्योंकि डायमीटर मून के लिए जितना होगा उतनी ही कंपेरिजन उसकी रेडियस के लिए होगी। फॉर एग्जाम्पल मून का डायमीटर 10 है और अर्थ का डायमीटर 40 है, अर्थ का डायमीटर 40 है, मून का डायमीटर 10 है, तो आप डिवाइड करोगे तो उसकी रेडियस यानी कि 10 डायमीटर है तो उसकी रेडियस कितनी होगी, अर्थ की मून की 5 हो जाएगी, उसी तरीके से अर्थ की 20 हो जाएगी, तो रिमाइंडर यानी कि जो रेशियो है वो रेशियो तो सेम ही रहेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे डायमीटर बोलेंगे या रेडियस बोलेंगे उसके लिए आंसर विल बी सेम रहेगा। सो मून
रेडियस इज इक्वल टू स्मॉल आर एन, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू कैपिटल आर. नाउ अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस मून रेडियस इज 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, देयरफॉर जो अर्थ की रेडियस है उसका रिलेशन आर इज इक्वल टू 4th टाइम मून रेडियस. आर इज इक्वल टू 4th टाइम रेडियस ऑफ मून. नाउ फाइंड वॉल्यूम ऑफ अर्थ डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ मून. ये जो रिलेशन लिखा हमने वो सेंटेंस है, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ. सो वॉल्यूम ऑफ, तो कंसिडर आर इज अ बिग, देयरफॉर 4th मल्टीप्लाई बाय आर इज इक्वल टू आर. यहाँ पे अर्थ की रेडियस ज्यादा है तो इसलिए दोनों को बैलेंस करने के लिए मून की रेडियस को 4th के साथ मल्टीप्लाई किया है, तो इन प्लेस ऑफ आर वी कैन यूज 4R. नाउ वॉल्यूम ऑफ अर्थ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. वॉल्यूम ऑफ मून इज अ शेप स्पीयर, देयरफॉर 4/3 इंटू पाई आर क्यूब. 4/3 पाई, 4/3 कैंसल. इन प्लेस ऑफ आर वी कैन यूज 4R क्यूब एंड आर क्यूब. सो 4 क्यूब इट मीन्स 64 इंटू आर क्यूब डिवाइड बाई आर क्यूब. सो आर क्यूब एंड आर क्यूब कैंसल, 1 रिमाइंडर, therefore 64 डिवाइड बाई 1, और इन अनदर सेंटेंस 64 रेशियो क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन बी हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड. हाउ मेनी लीटर्स मीन्स फाइनल आंसर इन लीटर यूनिट्स. गिवन डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल is 10.5 centimeter, therefore radius is equal to diameter divided by 2. It means 10.5 divided by 2, therefore 105 divided by 20 centimeter. After 0.1 digit, therefore 5, and divided by 0, therefore 2 into 0, 20. Now, find volume, therefore, volume of hemispherical bowl is equal to 2/3 pi r cube. Therefore 2/3 pi means 22/7, and radius it means 105 divided by 20, 105 divided by 20, and 105 divided by 20. 15 into 7 cancel out. 5 3s are 15, so 3 cancel out. 5 4s are 20, cancel out. 11 into 2, 2 cancel out, 4 cancel out. So 105 into 105 divided by 20 divided by 20, it means approximately value
303.19 सेंटीमीटर क्यूब. नाउ दिस यूनिट कैन बी कन्वर्टेड इंटू सेंटीमीटर क्यूब आर कन्वर्टेड इंटू लीटर, देयरफॉर डिवाइड बाय 1000 लीटर एंड 3000 इट मीन्स 30. सो पॉइंट यहाँ पे है तो 3 डिजिट पॉइंट पीछे चला जाएगा, देयरफॉर 30.303 लीटर कैपेसिटी ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल. सो नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 1 to 5 रिमेन्स. क्वेश्चंस कैन बी होमवर्क ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 to 5. इट मीन्स क्वेश्चन 2 ओनली वन होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन 2. इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपको होमवर्क में सॉल्व करना है. नेक्स्ट 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन कैन बी सॉल्व इन अ नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.